हैं। हम इस वक्त मौजूद है राजधानी दिल्ली के रोहिणी विश्राम चौक के बिल्कुल पास, जहां पर ये इलेक्ट्रिक जो बस है इसके द्वारा बहुत जबरदस्त यहां हादसा जो है वो किया गया है। मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और आप देख सकते हैं बस की क्या हालत है। आप देख सकते हैं सड़क पर पूरी तरीके से जो है बस के कांच और जो प्लास्टिक है वो पूरे टूटे पड़े हैं। आगे तक भी जो है वो चारों तरफ गाड़ियों के जो पार्ट्स होते हैं वो टूटे बिखरे हैं। यहाँ पर मौजूद लोगों से हम बात करेंगे और जाने कि आखिर मामला क्या है, सारा हुआ क्या था, जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें किसी के मौत हो जाने की भी खबर जो है वो सामने आई है। दो तीन लोगों का है जान से चले गए, वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गए, दो तीन ऑन द स्पॉट खत्म जी। अच्छा, स्पीड कितनी रही होगी बस की, कुछ बता सकते हैं? स्पीड थी तभी तो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत स्पीड तो काफी स्पीड थी। और ये जो इनोवा ये गाड़ी खड़ी है ये भी पूरी डैमेज हो गई, जो लोगों की जान जाने की बात कही जा रही है वो इसी गाड़ी में सवार थे? नहीं नहीं नहीं, वो तो पैदल वालों उनको नुकसान हुआ है, या बाइक को जो भी उस मोड़ से मुड़ रहे थे तब तो नुकसान हुआ उनका, जो लोग मोड़ से वहाँ पे खड़े थे आगे मोड़ पे उनको नुकसान हुआ है। मतलब बस जो है वो अनबैलेंस हो गई, अनबैलेंस तो बस रोंदती चली गई। मैम यहाँ से एकदम बस आई, पहले गाड़ी खड़ी थी जो स्कूटियां खड़ी थी लेती हुई वहां तक एक बंदे को पहले मारा, चार पांच बंदों को तो बिल्कुल रगड़ते हुई ले गई, जिसमें एक तो वहीं की वहीं खत्म हो गया। और वहां जाके वो भी बता रहे हैं कि जो गार्ड रहता है उसने हैंड ब्रेक खींची है, तो वहां जाके बस रुकी है, वो गार्ड ने खींची है। तो इतनी ऐसे 100 की स्पीड पे होगी बस, कम से कम भी 100 की स्पीड रोड पे गाड़ी उछल रही थी, गाड़ियां ऐसे हवा में जैसे ऊपर जा रही थी, एक तो हमारे जाने वाली पूरी गाड़ी खत्म हो गई, कुछ बचा ही नहीं। रोड पे जो मशीन जैसे हम पटाई नहीं करती रोड की, वैसे एकदम गाड़ियां धड़ 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 जा रही थी, हम लोग बच गए ना, सीधी बस इस दुकान के अंदर चली जाती, जहाँ से गाड़ी कटी थी वहाँ से इसमें चली जाती। उधर ये गाड़ी वहाँ थी तो इस गाड़ी ने बचा लिया हम लोगों को, सारे को 25-30 आदमी थे यहाँ ना, सारे मर जाते, वो सीधी आदमी कटती चली गई, रिक्शा वाले, गाड़ी वाले, स्कूटी वाले, मोटरसाइकिल वाले, सब जो हपट्टे में आया वो चला, सब हपट्टे में आ गया, कोई अंबेडकर भाग गया लेके, कोई यहाँ मर गया, कोई अंबेडकर मर गया। चोट कितनों को लगी अभी किसी को नहीं पता, हाँ, अपने किसी को किसी नहीं पता, अपने आप चले गए, जिसका जैसा आदमी था वैसे, कोई हमारा देखने वाला नहीं है, वो तो रिक्शे पकड़ पकड़ के जैसे जिसके चोटें लगी सब अंबेडकर। और रोड पे अपनी जगह पे गाड़ियां उंगल के बच के आगे नीचे गिर रही थी धड़ धड़, ये हमने अपने आंखों देखा, अभी भी धड़क हो रहा है, ऐसा हुआ हॉस्पिटल में, यहाँ रिक्शे बैठा रहा था जिसके खून छींचा रहा था, एक इनका आदमी था, इनका भाई साहब का हमारा जानकार है, एक राम भाई है हमारे, उनको भी चोट लगी हुई है, बच गए लेकिन वो अभी ठीक है। बस आ रही थी, बहुत ज्यादा स्पीड थी, बहुत तगड़ी स्पीड थी, 100 की स्पीड थी, इस कॉलोनी में इतनी भीड़ में 100 की स्पीड नहीं होना चाहिए मेरे साथ, यहाँ पब्लिक रहती है तो स्कूल का टाइम, ये सामने मदन डिमांड स्कूल है, मदन डिमांड स्कूल है, हजारों बच्चे मर जाते, नहीं मर जाते आज, हजारों बच्चे मरते इसके अंदर। बस ड्राइवर था उसके बारे में कुछ बता पाएंगे, अरेस्ट हुआ है या फिर वो अभी पुलिस वाले लेके गए हैं, अरेस्ट हो चुका है, कोई कह रहा है मिर्गी आ गई थी, कुछ आ गया था, पर अरेस्ट पुलिस वाले लेके गए उसको।